नमस्कार, मैं हूं सूरज वर्मा। आज मैं आपको क्लास 12 सीबीएसई की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। लास्ट लेसन चैप्टर को लिखा है एक राइटर ने, जिसका नाम है अल्फोंसो डॉटेट, जो बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक नॉवेलिस्ट है। सबसे पहले मैं इस स्टोरी के बैकग्राउंड में लेकर के जाना चाहता हूं। इस स्टोरी के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये स्टोरी शुरू होती है सन 1870 में फ्रैंको प्रूसियन वार से। फ्रैंको प्रूसियन वार से, जी हाँ, आप सही समझे, फ्रैंको प्रूसियन वार जो 1870 में हुआ और 1871 में समाप्त हुआ। उस समय जर्मनी के मोनार्क ऑटोमन बिस्मार्क के माध्यम से जर्मनी की जीत होती है और जो प्रसिया है उस समय पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मिला करके बोला जाता था प्रसिया। इस लड़ाई में ऑटोमन बिस्मार्क के माध्यम से जर्मनी की जीत होती है और फ्रांस की करारी हार होती है। फलस्वरूप क्या होता है कि फ्रांस में जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी उसकी जगह अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने की बात चलती है। ये स्टोरी का बैकग्राउंड है। और फ्रांस के दो शहर जिसका नाम है अलसेक और दूसरा नाम है लोरेन, जी हाँ, अलसेक और लोरेन, अलसेक और लोरेन, इन दो डिस्ट्रिक्ट में जर्मन भाषा को थोप दिया जाता है और कल से इसमें फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस तरीके का आदेश जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आता है। यह है स्टोरी का बैकग्राउंड। और हम इसके मेजर कैरेक्टर की बात करते हैं तो इस स्टोरी के दो मेजर कैरेक्टर्स हैं। पहला नाम है फ्रेंच, FRANJ। फ्रेंच जो है यह एक स्कूल बॉय है। और जो दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम है मिस्टर एम हैमेल। मिस्टर हैमेल जो है वो एक स्कूल टीचर है, ये फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं और पिछले 40 साल से 40 इयर्स ये अलसेक और लोरेन में शिक्षा दे रहे हैं फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं हम स्टोरी में। स्टोरी में सवेरे का समय है। पहली बात तो स्टोरी एक सब्जेक्टिव स्टाइल में लिखी गई है। सब्जेक्टिव स्टाइल का मतलब वो होता है जिस स्टोरी को हम आई से शुरू करते हैं या जिस स्टोरी में कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है। सब्जेक्टिव स्टाइल में खुद राइटर उस स्टोरी का एक कैरेक्टर होता है। जैसे यहाँ पे जो है वो फ्रेंच है। फ्रेंच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राइटर हिमसेल्फ, राइट। फ्रेंच सवेरे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। रोज की तरीके से फ्रेंच आज भी स्कूल जाने में लेट हो रहा है और स्कूल से उसको होमवर्क मिला है और उस होमवर्क में उसे पार्टिसिपल सी याद कर लिया। पर अफसोस की बात यह है कि उस पार्टिसिपल्स के रोल के बारे में कुछ भी नहीं पता है उस लड़के को, उस फ्रेंच को। फिर भी वो स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में जैसे वो कुछ दूर जाता है उसकी नजर एक बुलेटिन बोर्ड पर पड़ती है। यहां से बोर्ड के 3 नंबर के क्वेश्चन उठते हैं बच्चों। बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड वो मनहूस जगह थी आप कह सकते हैं, जहां पर एक पब्लिक प्लेस था और एक बोर्ड के माध्यम से जर्मनी द्वारा समय समय पर जो भी आदेश पारित होते थे, लड़ाइयों के बारे में जो भी जानकारी होती थी उस बुलेटिन बोर्ड पे दिया जाता था। उस बुलेटिन बोर्ड पर बहुत भीड़ थी, बहुत लोग इकट्ठा थे वहां पे और फ्रेंच वहां पे रुकना बहुत मुनासिब नहीं समझता है क्योंकि फ्रेंच अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा होता है। दौड़ता हुआ फ्रेंच जब आगे बढ़ता है तो उसकी उसको ब्लैक स्मिथ देखता है जो प्रैक्टिस के साथ अपने वहां पे होता है और एक मजाकिया लहजे में बोलता है, फ्रेंच अभी तो बहुत समय है तुम्हारे पास, इतनी जल्दी क्या है जो स्कूल जा रहे हो। फ्रेंच उसका कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि बच्चों फ्रेंच रोज की तरह आज भी लेट हो रहा होता है। जैसे ही फ्रेंच अपने स्कूल की ओर जाता है, इमेजिन करना जब आप अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल के गेट के पास होते हैं तो आपको क्या पता चलता है
बच्चों की आवाज सुनाई देना, टीचर की आवाज सुनाई देना, शोरगुल होना, है ना सर। पर अजीब बात है कि उस दिन जिस दिन फ्रेंड स्कूल जा रहा है उस दिन कोई भी शोरगुल नहीं था, पूरा स्कूल का माहौल शांत था। फ्रेंड डर गया, अरे ऐसा क्या है कि जो आज पूरा सब कुछ शांत है। फ्रेंड जैसे दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने क्लास की ओर गुजरता है और खिड़की से जब वो देखता है क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है। अब और उसकी हालत खराब होती है कि आज मैं फिर डांटा जाऊंगा, मिस्टर हेमंत उसको डांटेंगे क्योंकि मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया और जो पार्टिसिपेंट्स के रूल याद करते थे वो मैं नहीं याद कर पाया। जैसे ही डरता हुआ फ्रेंच दरवाजे के पास आता है, आप समझिए, आप इमेजिन करिए वो स्थिति जब आपके साथ होती होगी, जब आप लेट आते होंगे, क्लास में टीचर्स होते होंगे, बच्चे होंगे और सब लोग शांत होंगे, ऐसे समय में आपका क्लास में जाना और फिर एंटर करना कितना अपने अंदर डर सा पैदा हो जाता है, अगर टीचर खास करके बहुत स्ट्रिक्ट हो तो। और ऐसा ही कुछ मिस्टर हेमल के भी साथ था। मिस्टर हेमल काफी स्ट्रिक्ट टीचर थे। फ्रेंच को दरवाजा खोल करके अंदर जाना था और बच्चों के बीच में अपने बेंच के पास जाके बैठना था। ये बहुत ही चैलेंजिंग काम था फ्रेंच के लिए। जैसे ही फ्रेंच दरवाजा खोलता है तुरंत मिस्टर हेमल उसको बोलते हैं, अरे लिटिल फ्रेंच अंदर आओ, आज तो हम बिना तुम्हारे बगैर क्लास शुरू करने जा रहे थे। बड़ा अजीब सा लगता है फ्रेंच को। हकीकत तो ये है कि फ्रेंच रोज अपनी क्लास में लेट आता था और बड़ा सरप्राइजिंग फ्रेंच को ये होता है कि रोज की तरह मिस्टर हेमल का व्यवहार काफी बदला हुआ था। मिस्टर हेमल के कपड़े जो उसने फ्रेंच कोट पहनी हुई थी, जो उसने हैट लगाई हुई थी, कंप्लीटली डिफरेंट था। वो कपड़े अक्सर फ्रेंच तब पहनता था जब वो इंस्पेक्शन के दिन होते थे या जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन होते थे तो फ्रेंच ऐसे कपड़े पहनता। फ्रेंड मिस्टर हेमल उसके बाद वो अपनी सीट पे जैसे ही बैठता है क्लासरूम में जब वो देखता है चारों उसकी नजर जाती है तो थोड़ा सा उसको और सरप्राइज होता है। क्यों? आप इमेजिन करें कि आप किसी दिन अपनी क्लास में जाएं, आपकी क्लास में शहर का कोई मेयर बैठा हो, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बैठा हो, कोई घास काटने वाला बैठा हो, तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल वैसा ही होता है बच्चों। उस दिन क्लास में जो हॉस्टल है, जो प्रधान है, ये लोग बैठे हैं और गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग वहां पे बैठे होते हैं। और इसी बीच क्लास शुरू होती है और अचानक मिस्टर हेमल एक सीरियस लुक में अपनी बात बोलता है कि माय डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले 40 साल से आपके यहाँ सेवा दी है, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई है, पर आज ये आपका लास्ट लेसन है क्योंकि जर्मनी की राजधानी बर्लिन से ऐसा आदेश आया है कि फ्रांस के दो सर डिस्ट्रिक्ट अलसेक और लोरेन में, वो जो दो अलसेक और थोड़े से स्पेलिंग टिपिकल है आप उसको नोट कर लें, अलसेक और लोरेन में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में एक टर्म बताना चाहूंगा जिसको कहते हैं लिंग्विस्टिक सावनिज्म, CHAUVINISM, लिंग्विस्टिक सावनिज्म। इसका मतलब होता है एग्जैगरेटेड सेंस फॉर वंस ओन लैंग्वेज, वंस ओन मदर टंग, यानी अपनी मातृभाषा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचना, उसे हम लिंग्विस्टिक सार्विज्म कहते हैं, यानी अपनी मातृभाषा के प्रति बहुत ज्यादा लगाव। आप इमेजिन करिए कि इतने दिन तक फ्रांस की लैंग्वेज जो थी वो फ्रेंच थी, लेकिन अचानक बर्लिन से आदेश आना कि अलसेक और लोरेन में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी, ये एक तरीके से बिजली की तरीके से गिरता है उन फ्रांस के लोगों के ऊपर। और यहाँ से बुलेटिन बोर्ड को हम कोट करते हैं, जो बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों कि उस बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ क्यों लगी थी। अब फ्रेंच को समझ में आता है कि अच्छा बुलेटिन बोर्ड पे इसलिए ज्यादा भीड़ लगी थी क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पे ये नोटिस आई थी कि अलसेक और लोरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। हम स्टोरी में आगे आते हैं और मिस्टर हेमल रुकते नहीं है, वो अपनी बात कहना शुरू करते हैं। मिस्टर हेमल कहते हैं कि कल से आपका आपके जर्मन टीचर आ जाएंगे और आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और
बच्चों। और इसके लिए मैं आपको, फ्रेंच नहीं आती है इसके लिए मैं आपको कोई दोस्त नहीं देना चाहता, मैं अपना भी दोस्त देना चाहता हूं। हाँ, कुछ हद तक आपके गार्जियन पे जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि जब पढ़ाई की बात आती थी ऐसे समय में आपके गार्जियन आपको काम करने के लिए खेतों पे या मजदूरी के लिए भेज देते थे ताकि आप चार पैसा कमा कर अपने परिवार की रोजी रोटी में अपना सहयोग कर सके। दूसरी बात, आप पढ़ाई को लेकर के इतने सीरियस नहीं थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं? मैं जब पढ़ाता था और मुझे मछली मारने की जरूरत होती थी तो मैं मछली मारने चला जाता था और मैं क्लास को बंद कर देता था। साथ ही साथ मैं कभी कभी आप लोगों को पानी भरने के लिए या अपने पौधों को पानी डालने के लिए भी भेज देता था। और हकीकत तो ये है कि हम चाह करके भी आपका कोई सपोर्ट नहीं कर सके। अपने को दोष देता है मिस्टर हेमल। और इसी बीच उस छोटे फ्रेंच को भी बहुत अफसोस होता है कि मैं एक फ्रांसीसी हूँ और अफसोस की बात यह है कि मुझे खुद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है, पर उस लास्ट लेसन में फ्रेंच को एक एक बात मिस्टर हेमल की पूरी पूरी उसके दिल में उतर रही थी। और आज उसको बहुत अफसोस हो रहा था कि आज वो सब कुछ होने के बावजूद भी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ नहीं सका, उस पार्टिसिपल्स को याद नहीं करता रहा। वो रोज करता है कि कल करेंगे, कल करेंगे। ये चीज मिस्टर हेमल भी करते हैं कि आप इस चीज को कल पे थोपते हैं, फिर कल आता है, फिर कल आता है। और हकीकत आज है कि आज हमको कुछ नहीं आ रहा है। क्लास ओवर होती है, मिस्टर हेमल अपनी बात को खत्म करते हैं, लेकिन उसी बीच वो एक टर्म बोलते हैं, वीवा ला फ्रांस। वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रांस, की ए फ्रांस तुम्हारी लंबी उम्र हो। और वो एक बात ये भी कहते हैं कि जो लोग, अगर हमें किसी को गुलाम बनाना है, ध्यान दीजिए मैं तो बहुत तेज कहता जा रहा हूं, अगर हमें किसी को गुलाम बनाना है, किसी को स्लेव बनाना है, तो क्या करना? सोचिए, अगर हमें किसी को स्लेव बनाना है तो जानते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उसकी जो लैंग्वेज है उसको छीन लीजिए। कितनी बड़ी चाल थी जर्मनी की, ऑटोमन बिस्मार्क की, कितनी बड़ी चाल थी। इंटीग्रेशन जो उसने किया जर्मनी का, कितनी बड़ी चाल थी ऑटोमन बिस्मार्क की। उसने सीधे फ्रांस पे जर्मन भाषा को थोप दिया। उसे पता था कि फ्रेंच उनकी मदर टंग है और जब तक इनके पास मातृभाषा की शक्ति है तब तक ये हमारे गुलाम नहीं हो सकते। जर्मन भाषा अगर इनके ऊपर थोप देंगे, इनको हमारी भाषा सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और तब तक बहुत समय बीत जाएगा। भारतीय तो हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति है, कि अपनी भाषा से ही व्यक्ति की उन्नति होती है, व्यक्ति का विकास होता है। लेकिन यहां पे तो अपनी भाषा ही छीन ली गई, उस फ्रेंच लैंग्वेज को ही छीन लिया गया और वहां पे जर्मन लैंग्वेज कर दिया गया। और बुक में एनसीईआरटी में लिखा भी है राइटर ने, अल्फोंसो डॉटेट ने, कि किसी व्यक्ति को हम अगर जेल में डाले और उसकी चाबी उसके पास हमने दे दी है तो उस जेल का कोई मतलब नहीं है। ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति को कितना भी हम यातना दे दें, कितना भी हम पनिशमेंट दे दें, लेकिन जब तक हम उससे उसकी मातृभाषा नहीं छीनते हैं तब तक हम उसको कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। बहुत अजीब सी बात है, अपनी बात को खत्म करता है जैसे वो बोलता है कि वीवा ला फ्रांस, वीवा ला फ्रांस। तब तक छतों पे कबूतरों के कूजने की आवाज आती है। और इसको मैं रिफ्यूजी फिल्म के उस गाने से जोड़ना चाहूंगा जहां पे गाना है, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। कि पंछी नदियां पवन और झोंके, इसे किसी भी देश की सरहद नहीं रोक सकती, ये तो हर सरहद को पार कर जाते हैं। यानी जो गुलामी है, गुलामी तो हम इंसानों के लिए है, यानी ए जर्मन के लोगों, ए जर्मन, ए ऑटोमन बिस्मार्क, तुम हमारे ऊपर फ्रेंच लैंग्वेज थोप तो दिए, लेकिन क्या इन कबूतरों को तुम कभी अपनी जर्मन भाषा सिखा पाओगे? बोलता है नहीं। और यही पे कहानी खत्म होती है। और बहुत अफसोस होता है उसको
लिटिल फ्रेंच को कि मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सका, मुझे कितना अफसोस हो रहा है, मैं अपने बहुत प्राउड के साथ फ्रेंच बोलता हूँ, मैं फ्रांसीसी हूँ और मुझे खुद अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है। तो कहानी जाकर के यहाँ पे खत्म होती है। कहानी एक हमको एक मैसेज देती है कि हम किसी भी काम को कल कल करते हुए टालते हैं और हमारा कल कभी नहीं आता, और हम किस तरीके से अपने किसी भी वर्क को विदिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कंप्लीट नहीं कर पाते, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज स्टोरी ये देती है। पहली बात तो स्टोरी चाइल्ड के साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। टीनएजर्स के अंदर हमेशा ये फीलिंग रहती है कि ये काम को मैं कल करूंगा कल करूंगा और कभी कर नहीं पाता। जिस तरीके से फ्रेंच लिटिल फ्रेंच चाह करके भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाया। और दूसरा कितना महान था मिस्टर हैमल कि उसने खुद अपने आप को भी दोष दिया कि जब मुझे मछली मारने का शौक होता था तो मैं बच्चों की छुट्टियां कर देता था या मैं बच्चों को अपने कूलों में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। हकीकत तो यह है कि उस दिन जितनी भी बातें उस हैमल ने बताई थी, एक एक बात उस लिटिल फ्रेंच के दिमाग में दिल में बैठती चली गई। यानी कहीं ना कहीं अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हकीकत यह है कि कोई भी चीज जिंदगी में बहुत कठिन नहीं होती, कठिन हम उसे बना देते हैं। हकीकत यह है कि हम उसको सोचना नहीं चाहते। आखिर ऐसा क्या था कि इतने दिन से मिस्टर हैमल पढ़ा रहे थे लेकिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के रूल नहीं याद आ रहे थे, और उस दिन जितने भी बात उन्होंने बताई सब कुछ उसको याद हो गया, सिर्फ इसलिए कि उस दिन वो कंसेंट्रेट था क्योंकि ये उसका लास्ट चैप्टर था। और अंतिम में स्टोरी के कुछ और मैसेज हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मैंने आपको लिंग्विस्टिक सार्विज्म की बात कही, मैंने लोरेन और अलसेर की बात कही, जो मैंने इंस्पेक्शन डे के दिन और जो स्पेशल डे के दिन जो कपड़ा पहन करके आता है उसकी मैंने बात कही, फ्रेंच की मनाई स्थिति क्या है, बुलेटिन बोर्ड की कंडीशन, साथ साथ ब्लैक स्लिप का उसको रोकना कि फ्रेंच तुम अभी बहुत टाइम इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो, दूसरी चीज की क्लास के पास पहुंचना और ये सोचते हुए कि आज मुझे क्लास में डांट पड़ेगी एज यूजुअल, और इतने अच्छे तरीके से मिस्टर हैमल तक उसको रोक लेना और अपनी बात को बहुत पोलाइटली कहना। कहीं ना कहीं स्टोरी एक मैसेज हम टीचर्स को भी देती है कि हमें टीचरों हम टीचर्स को जो है बच्चों को जो हैंडल हम करते हैं बहुत ही स्मूथली करना चाहिए, बहुत प्यार से करना चाहिए। हमें कोई भी चीज बच्चों के ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। अगर हम बच्चों के हिसाब से किसी चीज को पढ़ाएंगे वो चीजें उसको जरूर समझ में आएंगी। प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये मेरे द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप सीधे इनबॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं एनसीईआरटी को उस चैप्टर को एक एक लाइन से मैं आपको पढ़ा के टू द पॉइंट डिस्कस करूंगा ताकि आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इस लॉकडाउन के पीरियड में मेरी कोई उम्मीद है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।